नमस्कार, झरोखा चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं और आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं वितान पाठ्य पुस्तक से मनोहर श्याम जोशी की कहानी सिल्वर वेडिंग को लेकर। तो आज सबसे पहले हम मनोहर श्याम जोशी जी की कहानी सिल्वर वेडिंग के सारांश को जानेंगे। चलिए आरंभ करते हैं इस कहानी का सारांश जानना। सिल्वर वेडिंग जो इसका शीर्षक है, उसका तात्पर्य होता है जब विवाह के 25 वर्ष पूरे होने लगते हैं तो उस वर्ष को, उस वर्षगांठ को सिल्वर वेडिंग अंग्रेजी भाषा में कहा जाता है। ये कहानी हमारे कहानी के मुख्य पात्र यशोधर बाबू के जीवन में आने वाली सिल्वर वेडिंग के विषय को लेकर के ही ये कहानी लिखी गई है। इस कहानी का जो पृष्ठभूमि है वो ये है कि यशोधर बाबू एक पुरानी पीढ़ी के व्यक्ति हैं और इसलिए उनके जो विचार हैं उनमें भी एक तरह का पुरानापन मौजूद है। वह पुरानापन सिद्धांत पर आधारित है, उसूलों पर आधारित है, जीवन शैली की सादगी पर आधारित है, लेकिन जो उनके बच्चे हैं, नई पीढ़ी है, उसे उसकी सोच अलग है। वे आधुनिकतावादी हैं, वो नए तरीकों से जीवन जीना चाहते हैं। इस तरह से दो पीढ़ियों के बीच में जो विचारों का, सिद्धांतों का, जीवन शैली का अंतर होता है, वही अंतर इस कहानी का मुख्य विषय है। यशोधर बाबू जो हैं वो अपने गांव से पढ़ने के लिए शहर आए थे और अपने बुआ के परिवार में रहते थे और बाद में उनका परिचय किशनदा नाम के एक ऐसे व्यक्ति से हुआ जो बहुत ही ज़्यादा सैद्धांतिक थे, सादे विचारों वाले थे और समाज के लिए काम करने के लिए अपना पूरा जीवन लगा देने के उनके अंदर भावनाएं थी। वे समय के पाबंद थे, वे सत्कार के पाबंद थे, वे लोगों का सहयोग करने के लिए तत्पर रहने वाले व्यक्ति थे। इन सब बातों का प्रभाव जो है वो यशोधर बाबू पर भी पड़ा और वे उनके प्रति इतने ज़्यादा आस्थावान रहे हैं कि उनकी बहुत सारी बातों को वो अपने जीवन में भी उतारना चाहते हैं। जैसे वो साइकिल से अपने ऑफिस जाया करते थे, पर जब उनके बच्चे बड़े हुए तो उन्हें लगा कि साइकिल से तो चपरासी लोग जाते हैं, छोटे लोग जाते हैं, उनके लिए छोटी तनख्वाह वाला आदमी छोटा आदमी, ये नया विचार है, ये आधुनिक विचार है। मनुष्य अपने कर्मों से, अपने गुणों से बड़ा और छोटा नहीं है, वह अपने धन से छोटा या बड़ा है। साइकिल है तो छोटा है, स्कूटर है तो बड़ा है। तो वे अपने पिता से कहते हैं कि आप स्कूटर से जाया कीजिए। स्कूटर चलाना उनके पिता को, यशोधर बाबू को पसंद नहीं है, तो वो साइकिल से कार्यालय जाना तो बंद कर देते हैं लेकिन स्कूटर नहीं खरीदते और पैदल ही अपने दफ्तर आने जाने लगते हैं और इस पर खुश भी होते हैं कि टहलने का काम अब ऑफिस जाते जाते ही हो जाता है। दफ्तर से जब वो लौटते थे तब भी सीधे घर नहीं आते थे, वे बिरला मंदिर चले जाते थे और वहां पर प्रवचन सुनते थे, भजन सुनते थे। वहां काफी समय बिताने के बाद पहाड़गंज चले जाते थे और वहां से साग भाजी खरीदते हुए तब आराम से रात को 8 बजे 8:30 बजे तक घर लौटते थे। इस तरह उनकी जिंदगी का रूटीन था। दफ्तर में भी ये जो पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी का जो अंतर है वो उनके दफ्तर में भी मौजूद था। जो नए लड़के भर्ती हुए थे, पदों पर आए थे, वो सब नौजवान थे और वो यशोधर बाबू के पुराने विचारों की
हंसी उड़ाते थे, मजाक उड़ाते थे। जैसे वो कहते थे कि आपकी घड़ी जो है वो चूने की डिबिया है, पुराने समय की है। परंतु इसका यशोधर बाबू बुरा नहीं मानते थे। वे कहते थे, भाई पुरानी ही सही पर समय तो सही बताती है। घड़ी का एक ही उपयोग है कि वह अपना समय ठीक तरह से बताए, वो उनकी घड़ी बताती है। फिर वो पूछते हैं कि भाई ये बताइए यशोधर बाबू कि आपकी जो है शादी कब हुई थी। उन्होंने कहा, ये घड़ी मुझे शादी में दहेज में मिली थी, तो इस पर सवाल हुआ कि आखिर शादी हुई कब। तो उन्होंने जो तारीख बताई संयोग से, वह तारीख उसी दिन की थी और उस दिन उनकी शादी के 25 साल पूरे हो रहे थे। उनके दफ्तर के नौजवान जो कर्मचारी थे, उनको इस पर एक बहाना मिल गया कि कैसे यशोधर बाबू से जो है कुछ पैसे खर्च कराए जाएं और कुछ मिठाई विठाई खाई जाए। तो वो सब लोग उन्हें बधाई देते हैं, कहते हैं भाई आज तो आपकी सिल्वर वेडिंग है, तो चलिए कुछ मिठाई ठाई बुलाइए। और चपरासी बुला लिया जाता है, उसको रुपए यशोधर बाबू से दिलवा दिए जाते हैं, वो मिठाई लेने चला भी जाता है। यशोधर बाबू को अंदर से तो अच्छा लगता है कि लोग उनको बधाइयां दे रहे हैं, परंतु वे कहते हैं भाई ये तो गोरे लोगों के चौंचले हैं, ये सिल्वर वेडिंग और शादी की वर्षगांठ वगैरह मनाना हम भारतीयों का काम नहीं है। इस तरह दफ्तर के सारे लोग उनको रोकना चाहते हैं कि भाई मिठाई आ रही है, आप भी खा के जाइए, आपकी सिल्वर वेडिंग की मिठाई है, आपके पैसों से आ रही है। वे कहते हैं नहीं, मिठाई आप लोग खाइए, भले ही मेरे पैसों से आ रही है, लेकिन मुझे यह सब व्यक्तिगत रूप से पसंद नहीं है, लिहाजा मैं अब निकलूंगा यहां से, ऑफिस से। वो ऑफिस से घर निकलते हैं, तो घर के पहले उन्हें बिड़ला मंदिर भी जाना है और पहाड़गंज भी जाना है, ये तो मैं आपको पहले बता चुका हूं, उनकी जिंदगी का रूटीन है। उनका जो बड़ा बेटा है वो एक प्राइवेट विज्ञापन कंपनी में नौकरी करता है और उसे 1,500 रुपया तनख्वाह मिलती है, जबकि यशोधर बाबू को पूरे जीवन भर सरकारी दफ्तर में काम करने के बावजूद इतनी तनख्वाह नहीं मिलती। तो उन्हें ये बात अनुचित लगती है कि आखिर इतना ज्यादा वेतन देने की जरूरत क्या है, क्यों इतना सारा पैसा कंपनियां किसी को देती हैं। उनका अपनी पत्नी से मतभेद भी है, और मतभेद इसलिए है कि पत्नी ने बच्चों का पक्ष लेना शुरू कर दिया है, बच्चे जो कुछ कहते हैं वो उस सब में पत्नी सहमत रहती है, और यशोधर बाबू अगर असहमत होते हैं तो वो उन्हें कहती है कि भाई आप तो पुराने जमाने के आदमी हो, इसलिए आपको ये बात पसंद नहीं आती। तब यशोधर बाबू भी उनका मजाक उड़ाने से नहीं चूकते, वो कहते हैं कि कई मजाक उड़ाते हैं कि भाई ये जो है बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम या टाट का लहंगा, इस तरह की बातें करके वो कहते कि अब बुढ़ापे में ये सब अच्छा नहीं लगता, हम जिस तरह से सादगी पसंद जीवन जीते रहे हैं हमको वैसा ही जीना चाहिए। छोटा लड़का जो है वो IAS की तैयारी कर रहा है, पिछली बार भी परीक्षा में बैठा था, कुछ दूसरी तीसरी श्रेणी वाली नौकरी भी उसको मिल रही थी, पर यशोधर बाबू को यह बात समझ में नहीं आई कि उसने उस नौकरी को ज्वाइन नहीं किया, छोड़ दिया, कहा कि मैं तो IAS की तैयारी कर रहा हूं, अगले साल फिर परीक्षा दूंगा और वहीं जाऊंगा। तीसरा लड़का जो है वो स्कॉलरशिप लेकर के अमेरिका जाना चाहता है, वो उस तैयारी में लगा है। एकमात्र लड़की है वो डॉक्टर बनना चाहती है, और डॉक्टर बनकर के वह भी अमेरिका जाना चाहती है। इस तरह से पूरा परिवार जो है वो यहां से आगे बढ़ना चाहता है, निकल जाना चाहता है, और ये बातें यशोधर बाबू को बड़ी अजीब सी लगती हैं कि लोग अपना देश छोड़ना चाहते हैं, ऊंचा ओहदा चाहते हैं, ज्यादा वेतन चाहते हैं, जबकि जीवन में कम से कम में भी काम चल सकता है।
पत्नी जो है वो उसने अपना पूरा जीवन युवा काल जो है एक संयुक्त परिवार में बिताया है, जहां पर यशोधर बाबू के बड़े भाई और उनकी पत्नियां और उनके बच्चे सब साथ में रहते थे। और यशोधर बाबू हमेशा अपने भाइयों से और भाभियों से ही उनके परामर्श पर ही चलते रहे और वैसा ही जीवन जीने के लिए पत्नी को भी कहते रहे। पत्नी को ये बात बहुत बुरी लगती रही, पर वो तब तक तो मानती रही जब तक संयुक्त परिवार था, पर अब जब बच्चे बड़े हो रहे हैं तो वो इसी बात का उलाहना देती हैं कि यशोधर बाबू ने जीवन भर उनको कभी अपनी मनमर्जी से जीने का मौका नहीं दिया। ऐसे में बच्चे माँ की तरफ हो जाते हैं और माँ का पक्ष लेते हुए वे भी पिता को कुछ ना कुछ कहने से नहीं चूकते। अच्छा होता कभी कभी, ऐसा यशोधर बाबू सोचते हैं, कि वे भी किशनदा की तरह ही शादी नहीं करते, ना शादी करते, ना पत्नी आती, ना बच्चे आते, ना घर होता, ना गृहस्थी होती, और इसके बवाल में फंसने का कोई रास्ता नहीं रहता, ये बेहतर होता। और तब वो मजे से नौकरी करते, पैसे कमाते, थोड़े में काम चलता और समाज का, समुदायों का कुछ भला करने के लिए भी उनको मौका मिलता। उनके साथ वाले दूसरे लोगों ने जमीनें खरीदी, मकान बनवा लिए, पर यशोधर बाबू ने ना तो जमीन खरीदने की तरफ कभी ध्यान दिया और ना ही मकान बनवाने की तरफ। उनका सोचना था कि सरकारी क्वार्टर मिला हुआ है तो जब तक नौकरी चल रही है इसमें रहेंगे, और जब रिटायर हो जाएंगे तो गांव चले जाएंगे, जो पुश्तैनी मकान है उसमें रहेंगे। लेकिन वह पुश्तैनी मकान इतना टूट फूट चुका था कि बच्चे वहां जाकर रहने को तैयार नहीं, और जिनका जन्म शहर में हुआ हो वो तो गांव में रहना ही नहीं चाहते। वहां पर उनके लिए कोई ऐसी सुविधाएं भी नहीं है, शिक्षा की नहीं है, स्वास्थ्य की नहीं है, और जीवन की दूसरी चीजों के लिए भी वहां पर कोई व्यवस्थाएं नहीं है। तो गांव बच्चों को पसंद नहीं, पत्नी को पसंद नहीं, और टूटा बूटा मकान अब मरम्मत करके बुढ़ापे में सुधारने का काम यशोधर बाबू भी कहाँ करने वाले थे। इस तरह यशोधर बाबू जो हैं वो अपने परिवार के लोगों का विकास करना, आगे बढ़ना, शिक्षा उन्हें एक सीमा तक अच्छा भी लगता है, पर वो इस बात के खिलाफ थे कि सारी दुनिया दो के चार बनाने में लगी है, उसी में उनका परिवार भी लग जाए। तो इस तरह से यशोधर बाबू के विचार और उनके परिवार वालों के विचारों में खासा अंतर होता जा रहा था। पत्नी किशनदा को पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वे कहती थी जिस आदमी ने शादी नहीं की, घर नहीं बसाया, वो घर बार के बारे में कुछ जानता ही नहीं, और वह यशोधर बाबू को भी अपनी तरह ऐसी बातें सिखाता रहा जीवन भर, जैसे यशोधर बाबू भी परिवार और गृहस्थी के पक्ष में अपना ज्यादा बेहतर कैसे कर सकें इस तरफ उनने कभी ध्यान दिया नहीं। यशोधर बाबू कहते हैं भाई जैसी जैसी उम्र बढ़ती जाए तो उसके साथ बुजुर्गियत भी आना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बूढ़े होते जाएं, बुजुर्ग होते जाएं, पर हमारा पहनना, ओढ़ना, बातचीत, चाल ढाल वो सब नौजवान काल की, युवा काल की बनी रहे, इसे वे उचित नहीं मानते। वे तो कहते हैं मनुष्य के जीवन में वानप्रस्थ आश्रम का भी एक स्थान है, और जब मनुष्य की आयु 50 वर्ष से ज्यादा हो जाए तो उसे धीरे धीरे घर गृहस्थी से अपने को अलग करते हुए और सामाजिक कार्यों में, पूजा पाठ में, प्रवचनों में, भजनों में लगाना चाहिए। किशनदा जब अपने घर पर रख करके इनको पढ़ने का उन्होंने अवसर दिया था यशोधर बाबू को, और फिर नौकरी भी लगवा दी थी और अपने ही क्वार्टर में उनको रखा हुआ था, तो वे सुबह सुबह जगाकर यशोधर बाबू को सैर पर ले जाते थे, टहलने ले जाते थे, और यही आदत जो है
यशोधर बाबू की बन गई थी, परंतु बच्चों को टहलने में कोई रुचि नहीं है, यह देखकर यशोधर बाबू को मन ही मन कोफ्त हुआ करती थी। किशनदा जो है वो अपने समाज के परिवार के लोगों के उत्सव और अन्य कार्यक्रमों को आयोजित करने में मदद किया करते थे, सहयोग करते थे। इसलिए यशोधर बाबू को भी लगता है कि मैं भी समाज में एक सम्मानित बुजुर्ग कहलाऊं, लोग मेरा सम्मान करें और मैं उनके काम आऊं, उनकी मदद करूं। लेकिन बच्चे उनकी बात नहीं मानते, ना माने तो ना माने, उनका सोचना है कि कम से कम पूछ तो लिया करें, कोई काम करने से पहले उनसे पूछा जाना चाहिए। बच्चों का कहना है कि जिस बारे में आप जानते ही नहीं, हम उस बारे में आपसे पूछ के क्या करेंगे। इस तरह घर में एक संसार उनका बन जाता है, दूसरा संसार बच्चों का बन रहा है, दोनों में कोई सामंजस्य नहीं दिखाई देता। वे चाहते हैं बेटा वेतन लेकर के आए तो उनके हाथ पर रख दे। बेटा कहता है वेतन हाथ पे मिलता ही कहां है, वो तो सीधा अकाउंट में जमा हो जाता है, तो हम आपके हाथ पर लाकर कहां से रखें। तब यशोधर बाबू सोचते हैं भाई ठीक है, हाथ पर नहीं रख सकते, एक ज्वाइंट अकाउंट खुलवा लो जिसमें मेरा और लड़के का ज्वाइंट अकाउंट हो, पैसा उसमें आए और जो चाहे वो खर्च करे, लेकिन ऐसा मुझे लगे कि बच्चे हैं, मुझे आदर देते, मान देते, सम्मान देते हैं। लेकिन ये भी नहीं होता। और ऐसी सब बातों से सोचते हुए वे बिड़ला मंदिर जाकर देर तक प्रवचन सुनते हैं और रात को जब 8:30 बजे लौटते हैं यशोधर बाबू उस दिन, तो देखते हैं उनके घर के सामने एक कार खड़ी है, कई मोटरसाइकिलें खड़ी हैं, स्कूटरें खड़ी हैं और भी दूसरे वाहन खड़े हैं। उन्हें लगता है कि वो किसी दूसरे घर में तो नहीं आ गए, लेकिन नहीं, वो ध्यान से देखने में पाते हैं कि ये तो उनका ही क्वार्टर है और उनके क्वार्टर के सामने जो है वो बड़ी भीड़भाड़ सी है, आना जाना लगा हुआ है, कार में कोई बैठा हुआ है और उनका बेटा उन कार में बैठे हुए व्यक्ति से बात कर रहा है और वो अंदर से कह रहे हैं कि जब आपके पिताजी आए तो उन्हें आप मेरी ओर से बधाई दे देना। जब वह कार चली जाती है तब अंधेरे स्थान से निकलकर यशोधर बाबू अपने घर की तरफ आते हैं, देखते हैं कि उनकी पत्नी और बेटी कुछ मेम साहबों को विदाई कर रही हैं उनकी, वो भी इस पार्टी में आए हुए थे, वो सब जा रहे हैं। जब वे घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो बेटा पूछता है कि पापा आज आपकी सिल्वर वेडिंग थी और आज के दिन भी आप रात को 8:30 बजे आ रहे हैं। तब वो धीरे से झेपते भी हैं, मुस्कुराते भी हैं, कुछ अच्छा भी लगता है, फिर कहते भी हैं कि अरे भाई हम लोग अपनी सिल्वर वेडिंग कब से मनाने लगे, ये हम सब लोगों के बस की बात नहीं है, ये तो अंग्रेजों के सब तौर तरीके रहे हैं, जिसकी शादी ही लोन लेकर हुई हो वो अपनी सिल्वर वेडिंग पर 2-4-10 हजार रुपया खर्च करके पार्टी करे, ये कुछ अच्छी बात नहीं लगती। लड़कों के दोस्त वहां मौजूद थे, उन सब ने उनको बधाई दी सिल्वर वेडिंग के लिए, उनको कांग्रेचुलेट्स किया। फिर लड़के ने कहा कि चलिए केक काटना है, केक काटना उन्हें और भी बुरा लगा, केक काटना तो ये तरह का बचपना है, बच्चे करते हैं, बच्चों के द्वारा केक काटा जाता है। लेकिन सब लोग मना पता कर उनको ले जाते हैं और कहते हैं भाई काट दीजिए, सब लोग कह रहे हैं बच्चे खुश होंगे, वो केक काटते हैं। पत्नी केक खिलाना चाहती है पर वो नहीं खाते, वो कहते हैं भाई देखो इसमें अंडा वंडा होगा, मैं केक नहीं खाऊंगा। तो बच्चे कहते हैं ठीक है आप लड्डू खा लो, मिठाई खा लो, लेकिन वो उसे भी नहीं खाते, बोलते अभी संध्या वंदन नहीं किया है मैंने, पूजा नहीं की है, और बिना पूजा किए मैं कैसे खा लूं। और तब वो घर के अंदर चले जाते हैं और पूजा करने के बहाने बहुत देर तक वो समय बिताते हैं कि सारे लोग जब घर से चले जाएं, थोड़ा शांतिपूर्ण माहौल बन जाए, परिवार के ही लोग जब बचे तब वो
निकले, सामने आए और अपना जैसा उनका रूटीन लाइफ है वो उस तरह से जिए। पर पत्नी आकर के उनके दरवाजे पर झांक कर कहती है, भैया क्या आज तुम्हारी पूजा खत्म होने वाली नहीं है, यहीं बैठे रहेंगे? मेहमान कुछ चले गए हैं, कुछ अभी हैं, आइए उनको विदा कीजिए, उनसे मिलिए। जब वो सामने आते हैं और देखते हैं कि आखिरी मेहमान भी विदा हो रहा है, तब वो बड़े सुकून उन्हें मिलता है और बोलते हैं, एवरीबडी गॉन, अब अच्छा है, अब मैं गमछा पहन सकता हूं। तब उनके बड़े बेटे ने कहा कि देखिए, ये गमछा पहनना कोई अच्छी बात नहीं है, घर में भी अच्छे से रहना चाहिए, और मैं आपके प्रेजेंट आपको देने के लिए क्या लाया हूं, देखिए। तब उनकी बेटी भी बोलती है कि भाई इस प्रेजेंट को खोलकर देखिए, उसमें उन्हें ड्रेसिंग गाउन प्रेजेंट किया गया है, ये दिखाई देता है। वो कहते हैं, भाई ड्रेसिंग गाउन मैं क्या करूंगा पहन करके? लड़का कहता है, पिताजी जब आप सुबह फटा हुआ पुलोवर पहनकर दूध लेने जाते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता, आप इस ड्रेसिंग गाउन को पहनकर जाया कीजिए। उन्हें इस बात का बुरा लगता है कि उनका बेटा उनके लिए ड्रेसिंग गाउन खुशी से नहीं लाया है, वह उसे बुरा लगता है, उनका पुलोवर पुराना है, कहीं से एक जगह से फट गया है और इससे उसकी बेइज्जती होती है, उसकी इज्जत पर बट्टा लगता है, इसलिए लाया है। तब तक उनकी बेटी कुर्ता पजामा ले आती है कि इसे पहनिए, इस पर ड्रेसिंग गाउन पहनिए। वो कुर्ता पजामा पहनते हैं, ड्रेसिंग गाउन पहनते हैं और तभी उनकी आंखों में हल्की सी एक नमी आ जाती है। कहानीकार श्याम मनोहर श्याम जोशी कहते हैं कि ये नमी न जाने किस बात की थी, इस नए वातावरण की थी, ड्रेसिंग गाउन पहनने की थी, या अपने कारण बच्चों को जो अपमान महसूस होता है उस एहसास की नमी थी। इस तरह ये कहानी यहां पर समाप्त होती है। तो यह था मनोहर श्याम जोशी की विख्यात कहानी सिल्वर वेडिंग का सारांश। अगली बार हम इसी कहानी पर आधारित प्रश्नों के उत्तर करेंगे। कृपया इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो उसे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, हम उसका उत्तर अवश्य देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।